बड़ी खबर, माजी आमदार को फोन पर मराठा पिछड़ा वर्ग समाज को गाली गलौज देने का मामला सामने आया है। यह एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह चुनाव के तहत यह मामला सामने आया हुआ है। बोला साहेब, तुला मी सांगतो, आजपासूनच्या निवडणुकीमध्ये तुला कधी मी बोललो नाही। हो नाही साहेब, यावेळेस माय घातलेलं पांडू लक्षात घे मी काय म्हणतो ते। तू काय काय व्हायलंय लक्षात घे मी। हो बोला साहेब, तुला माझ्याशी दुश्मनी कर जगू नकोस, तुला एवढं सांगतो मी। काय करू साहेब, तू काय करायला, तू तपास काय करायला, तर काहीच नाही आमचं काय करायला, तू काय करायला, तू तपास म्हणायलो मी। आजपर्यंत बोललो नाही तुला लक्षात घे, आजपर्यंत प्रेमानंच वागलो तुझ्या बरोबर। हो हा, तू काय करायला काय, मला कळलं असं वाटायला काय तुला, मग काय केलं साहेब सांगा ना, मग सांगितलं तुम्ही, तू सांग, तू सांग काय व्हायलं ते तू सांग ना। काहीच नाही साहेब, काय काय नाही, तुझे पाहुणे कसे इकडे तिकडे गडबड करायले। आता मला काय माहिती, मग काय लोकांना काय असं म्हणत लोकं असं नको सांगू, कुठं काय पाणी बुडतंय काय नाही म्हणत आम्हाला कल्पना आहे, कुठून कोण काय चाललंय ते लक्षात तुझा। याच्यात काही गडबड होऊ नये, वातावरणाला इकडे तिकडे जाऊन भेटावर येऊ नये, त्याच्यावर व्हॉट्सअपवर वगैरे असं झालं तसं झालं, मला कल्पना नाही साहेब। आता मला काय कल्पना, ते मला पाहिजे, आता या पूर्वीच्या वेळेस मी काहीच नाही, माफी माझ्या याच्यामध्ये तुमच्या कार्यक्रमाला मी सांगतो, गावातही सांगतो, मला सगळे मागासवर्गीय तुमचं ऐकत नसतं तर याच्यात घाला कशात वंचित मध्ये असं का, तेवढं तुम्ही जात नाही। एक तर आपल्याकडे झाली पाहिजे, पाहिजे तिथं तुमच्या गावातलं मागासवर्गीय पोरगं लावलं, भोसडीचं एवढं असून एक मत नाही तिथं पडत तिथं मागासवर्गाचं, हो ना पडत नाही साहेब। ते आता एवढं मोठं त्याच्या प्रॉपर्ट्या झाल्या, भोसडीच्या ज्या कोटीवधी रुपयाच्या ते प्रॉपर्टी झाली असेल, हो जेवणात झाला किती तुमच्या काम करतो, फक्त यावेळेस कसं शांत आहे काम की। पांडू दुकानदार एक लक्षात घे, आता यावेळेस माझं डोकं शांत नाही, तुमच्या कार्यक्रमाला मी सांगतो, गावातही सांगतो, मला सगळे मागासवर्गीय तुमचं ऐकत नसतं तर याच्यात घाला कशात वंचित मध्ये असं का, तेवढं तुम्ही जात नाही। एक तर आपल्याकडे झाली पाहिजे, पाहिजे तिथं तुमच्या गावातलं मागासवर्गीय पोरगं लावलं, भोसडीचं एवढं असून एक मत नाही तिथं पडत तिथं मागासवर्गीय, हो ना पडत नाही साहेब। ते आता एवढं मोठं त्याच्या प्रॉपर्ट्या झाल्या, भोसडीच्या ज्या कोटीवधी रुपयाच्या प्रॉपर्टी झाली असेल, हो मग जेवणात झाला। फिलहाल इस ऑडिओ की जांच पुलिस कर रही है। गोंदिया चंगेरा में मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो सगे नौजवान भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। उजड़ गई मां की कोख, बिखर गई सुनहरे सपने समूचे क्षेत्र में पसरा मातम, यह खबर गोंदिया के चंगेरा की दर्शाई जा रही है। प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान चाहे तालाब हो या नदी, पूरी सावधानी रखते हुए प्रतिमा का विसर्जन करने की अपील बार बार प्रशासन द्वारा की गई है, लेकिन इस अपील को नजरअंदाज करना एक बार फिर एक परिवार पर भारी पड़ गया है। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी गणेश विसर्जन के कावड़ यात्रा के दौरान एक नवयुवक की बाघ नदी में डूबने से मौत हो गई और बचपन में ही पिता को खो देने वाले नौजवान की मौत से बूढ़ी माँ का एकमात्र सहारा भी छीन जाने से उसकी जिंदगी विराम हो गई। इस प्रकार फिर दो नौजवान सगे भाइयों की पानी में डूबने से मौत हो चुकी है। इस घटना के कारण एक गरीब माँ की कोख उजड़ गई है, पूरा मातम मना रहे हैं, जहाँ पूरा मातम गांव मना रहा है, पूरा गांव परिसर समूचा परिसर में शोक की लहर गूंज उठी है। जानकारी के मुताबिक यह घटना 8 अक्टूबर को रावणवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाघोली कलारी टोला काठी में रात 7 बजे बाजार टोला के माला गुजारी तालाब पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कर रहे वासी पहुंचे थे। जब वे प्रतिमा विसर्जन कर रहे थे तब अचानक प्रतिमा विसर्जन करने के दौरान पानी की गहराई में दोनों सगे भाई अक्षय चतुराल तेला से उम्र 21 साल दर्शाई जा रही है और छोटा भाई आकाश चितुलाल तेला से 18 वर्ष का बताया गया है पानी की गहराई के सामने चले गए। लोगों ने बचाने की थी कोशिश लेकिन वह बचा न पाए। मिली जानकारी के मुताबिक अक्षय डीबी साइंस कॉलेज गोंदिया में पढ़ता था और आकाश दास गांव में भी पढ़ रहा था। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस को दी गई। रावणवाड़ी पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाले। हर कोई रो पड़ा जब घर से उठी दो अर्थियां। तो मिली जानकारी के मुताबिक अक्षय की माँ आंगनवाड़ी में सेविका है और पिता बढ़ई का काम करते हैं। घर के
दोनों चिराग बुझ गए। अस्थिया साथ में उठी तो पूरे गांव में व परिवारों में रो रो कर बुरा हाल हुआ है। जहां इस घटना से गांव में और परिसर में पूरी शोक की लहर गूंज उठी है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटे के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।